अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम जोहर, आप देख रहे हो मलिक कासिम ब्लॉग। वेलकम टू द बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी मोस्टर का टापा ओपन किया तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाए और आपको भी समझाया जाए, ताकि आप ऐसा काम कर और जिसके पर आपको भी बहुत फायदा। ये बात है जी मार्च 2022 की, जब फर्स्ट टाइम माई बाइक इज डैम, मतलब ये कि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं ले गया एक मैकेनिक के पास धक्का लगा कर, और वहाँ से उसने चेक किया, उसने कहा कि इसका प्लग जो है वो ख़राब है। मैंने कहा चलो चेंज कर दो, उसने चेंज करके मुझसे 200 रुपए ले लिए। और फिर मैं घर आ गया, ठीक 4 दिन के बाद मेरी बाइक का वही मसला पड़ गया, और मैंने सोचा कि शायद इस बार कोई और मसला है। मैं फिर धक्का लगा कर मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास ले गया, और फिर उसने कहा कि इसका प्लग ख़राब है। मैंने कहा आज से 4 दिन तो पहले इसका प्लग चेंज किया था, लेकिन क्या हुआ? तो उसने कहा कि कोई इसका बड़ा इशू नहीं है, इसका अब फिर चेंज करा लें, कोई हल्का निकल आता है तो अब चेंज करा लें तो ठीक है। मैंने कहा चलो चेंज कर दूँ, लेकिन जब चेंज करा कर आया ठीक 7 दिन के बाद फिर से वही मसला। मैंने कहा अब किसी और मैकेनिक के पास, वहाँ पर मैं जब ले गया तो उसको चेक कराया, मुकम्मल डिटेल बताई जैसे कि आप लोगों को पता है, और उसने कहा कोई मसला नहीं, आपने पहले 200 वाला प्लग फिट करवाया है, लेकिन आप वहाँ पर 2800 वाला फिट करवाया, ये अच्छा प्लग है। मैंने कहा चलो कर दो, और उसने वो 2800 रुपये मुझसे ले लिए और 2800 वाला प्लग डाल दिया। और ठीक 11 दिन के बाद फिर वही मसला, फिर मुझे बहुत गुस्सा, मैंने कहा इसको मैं अपने घर पर दे दूँ। मैं गया और 200 रुपये वाला वही हल्की कॉपनी उठा, और फिर मैं वही हल्की कॉपनी वाला प्लग लेकर अपने घर आ गया 200 रुपये में। और फिर मैंने सोचा कि ये जो कंपैस्टर होता है ये इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कर सकता है, तो इसको इसके करंट मोटरसाइकिल के करंट को भी कंट्रोल करेंगे, तो मैंने इसको उसके अंदर लगा दिया। और अब मुझे तकरीबन 3.5 माह हो गए, तो अभी तक प्लग का कोई इशू नहीं आया। अब आप भी ये लगा सकते हैं, ये लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये मुकम्मल मैं आपको डिटेल देता हूँ। अच्छा भैया, ये मैं अगर आपको बताता जाऊं कि मैं कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक नहीं हूं, ये मैंने अपने घर में ही पर ही ट्रिक इस्तेमाल की है, और ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपने लगाना कैसे है और कहां पर लगाना। भाई मैंने तो इस वायर के अंदर लगा दिया है इस साइड पर, और लेकर आपने यहाँ लगा दें या इसके अंदर लगा दें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर लगा कर चेक कराता हूँ। ये मुझे तो मेरे मोटरसाइकिल को तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन एक और लगा कर देख दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, तो ये गई है खुल, और अब ये जो कंपैस्टर है इसकी दो तारें हैं, एक ये आप इसके साथ लगा दें और दूसरी जो है वो आपने इसके साथ लगानी है। ये मैं सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर लगाएं तो ये तो गंदा लगेगा, इससे बेहतर है कि आप इसके अंदर ही लगाएं। तो ये लग गई है, ये टेस्ट के लिए। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है और ये कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले इसकी प्राइस तो है 180 रुपये, और ये वॉशिंग मशीन में लगता है, और आप इससे छोटा यानी पखे वाला या इससे बड़ा वाटर पंप वाला लेते हैं, तो वाटर पंप वाला तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन पंखे वाला बहुत छोटा होगा, ये बिल्कुल दरमियाना है। ये आप लोग 180 रुपये का किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप यानी बिजली वाले शॉप से आपको ये मिल जाएगा। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, और आपने इसके अंदर लगाना है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लगा दिया, और अभी हम टेस्ट करते हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है या नहीं। अभी जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो भाई स्टार्ट हो गई है,
बिल्कुल ये कोई भी फेक ट्रिक नहीं है, बिल्कुल रियल ट्रिक है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से करंट होकर जा रहा है और ये करंट को कंट्रोल कर रहा है, यानी अगर आपका करंट ज़्यादा आता है या कम आता है तो ये कंट्रोल कर सकता है, यानी ये बिजली वाली चीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है और इसको भी कंट्रोल कर सकता है। ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल बिल्कुल स्टार्ट मोटरसाइकिल है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब मैंने मोटरसाइकिल बंद कर दी है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है और ना मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक, ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। ये अगर आपका कोई फ़ायदा होता है तो सबसे मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपके साथ ऐसा कभी इशू हुआ है और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप इस तरीके से ये ट्रिक अपनाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।